हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 19th अगस्त 2022 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई कार्ड में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन एसबीआई कार्ड में हमें 4.29% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 957.85 है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिलहाल वन डे का चार्ट में यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन स्टॉक में किस तरह से परफॉर्मेंस हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में वॉल्यूम जो बहुत ही ज्यादा हमें देखने मिला, हाई वॉल्यूम आज के दिन मैं कहूँ तो देखने मिला है। कैंडल जरूर यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज के बिने नीचे के साइड में छोटी से हमें जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, 62-63 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइट नेगेटिव मूवमेंट का जरूर इशारा देता है। लेकिन याद रखना, आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव साइड का है। यहाँ पे स्लाइड हमें डाउन साइड मूवमेंट जरूर देखने मिला, लेकिन क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव, मैं आपको रेकमेंड करूंगा जितना हो सके आप बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको जो अपसाइड मूवमेंट जो है देखने मिलेगा और वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। करंटली सबसे पहले डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो 936 के आसपास हमें डाउनसाइड देखने मिलने वाला है। यहाँ पे 936 के नीचे स्टॉक अगर गिरा तो स्टॉक यहाँ पे अराउंड 915 के आसपास देखने वाला। मैं आपको रेकमेंड करूँगा 915 के आसपास अगर स्टॉक आते हुए देखने मिले वहां पे आप जरूर जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी का जो है यहाँ पे देख सकते हैं। 915 के आसपास बहुत ही बढ़िया, इवन 926 जो एग्जैक्ट यहाँ पे अराउंड 20 MA के आसपास 926 पे बाइंग आप जरूर देखें, वहां पे बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और वहां से हमें अपसाइड मोमेंट भी जो देखने मिलेगा। लेकिन जरूर स्टॉक यहाँ पे जो है यहाँ पे क्योंकि आने वाले दिन के लिए हमारा ओपिनियन नेगेटिव साइड का है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी ना ढूंढे, लॉन्ग पे ही आप जो है जरूर इंट्रा डिवाइस फिलहाल जो यहाँ पे ट्रेड ले। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आप भी चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी हमने जो है प्रोवाइड किया है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे एडवाइजरी चाहिए तो हम जो है आपसे आपको जरूर जो एडवाइस करेंगे आपको कौन से म्यूचुअल फंड में, इवन यहाँ पे जो भी आपने स्टॉक्स बाय किए हैं या फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जिसके लिए भी किए हैं उसके ऊपर भी हम जरूर आपको एडवाइस थोड़ा सा देंगे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिन में क्या सकते हैं वो तो हमें बताना है। हम बात करते हैं यहाँ पे वन आर के चार्ट में कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे हमारा वन आर का चार्ट हमने ओपन किया है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसा जो है मार्क्ड है। यहाँ पे कुछ हम चेंजेस जो जरूर कर लेते हैं यहाँ पे डेटा के बेसिस में, हम तो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस और एडिशनल मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम बात करेंगे इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग 957.75 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 956.85 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 965.80 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्रा डे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्रा डे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 949.75 का, उसके बाद क्या आता है 944.75
40 का, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्ट्रेशन के बाद का अगला रेजिस्ट्रेशन आता है 975.40 का, उसके बाद क्या था 983.90 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्ट्रेशन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का चांसेस है कि 965 से लेकर 975 के रेंज में हमें क्लोजिंग भी जो देखने मिले, इस रेंज में पॉजिटिव क्लोजिंग ही हमारी एक्सपेक्टेशन है। बाकी गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में क्लोजिंग हुआ, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कल के दिन हमारी एक्सपेक्टेशन जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग की है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।